हेलो दोस्तों, छोला पूरी बनने जा रहा है, देख सकते हैं। हाँ, ये मेरा प्याज है, ये मसाला है, और ये काबली चना है। काबली चना का छोला भटूरा, और ये मेरा आटा है, देख सकते हैं। काबली चना है, टमाटर है, प्याज और धनिया पत्ता, मिर्ची है, और ये मसाला है, और ये मेरा आटे है। छोला बनने के लिए तेल गर्म हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं कि तेल गर्म हो रहा है, ऐसे कैसे प्याज मिक्स हो रहा है तेल में। प्याज लाल हो गया है, हमें काबली चना डलाएगा, देख सकते हैं काबली चना पड़ रहा है। अच्छा से डालिएगा, नीचे गिरे नहीं। और अभी काबली चने को चलाया जाएगा, देख सकते हैं काबली चना अच्छे से लाल हो चुका है। अब और इसमें मसाला डाला जाएगा, देख सकते हैं मसाला पड़ रहा है। देख सकते हैं थोड़ी देर के लिए मसाला इसको भूजा जाएगा, मसाला को टेस्ट के लिए नमक पड़ रहा है, देख सकते हैं अच्छे तरीके से भूजा जाएगा, अच्छे तरीके से मसाले को छोला भटूरा में मिक्स हो रहा है। और ये टमाटर पड़ रहा है, देख सकते हैं ये मेरा मसाला अच्छे से मिक्स हो चुका है। थोड़ी देर के बाद इसमें पानी छोड़ा जाएगा। ये कलर है, लाजवाब कलर है, मेरे छोले में अब पानी डालने के लिए तैयार हो गया है। और इसमें 3 से 4 सीटी लगेगा तब मेरा छोला कंप्लीट हो जाएगा खाने के लिए। देख सकते हैं पानी डाला गया है इसमें, और पानी डाल दीजिए तब ना। तीन चार सीटी के बाद मेरा छोला खाने के लिए कंप्लीट हो जाएगा। मेरा छोला भटूरा कंप्लीट हो गया है, देख सकते हैं टेस्टी बना है। मिलते हैं अगले ब्लॉक में।